हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तोफिक। आप देख रहे हैं टेक्निकल तोफिक चैनल। चले दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्ड वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन क्या है और इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों की मेरे कमेंट आ रही थी कि नॉर्ड वीपीएन एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी के बारे में आज आपको बताऊँगा। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों नॉर्ड वीपीएन को अल्ट्रा वीपीएन हेक्साटेक भी यहाँ पर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अल्ट्रा वीपीएन हेक्साटेक अगर प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करोगे तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आएगा वो नॉर्ड वीपीएन एप्लीकेशन ही आएगा। यानी कि दोस्तों इस एप्लीकेशन को अल्ट्रा वीपीएन हेक्साटेक भी कहते हैं। तो अब ये डाउट एक क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों डायरेक्टली इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मैप के जरिए यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। वर्ल्ड वाइड सर्वर देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग कंट्री के बहुत सारे सर्वर यहाँ पर आपको रहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कंट्री है, इसके अंदर देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर आपको सर्वर देखने को मिल जाती है। बहुत सारे सर्वर यहाँ पर आपके रहते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी सर्वर पर क्लिक करके इजीली कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन को अगर यूज़ करना है, वीपीएन आपको कनेक्ट करना है, तो इस एप्लीकेशन को आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप पहले से अगर आपका कोई अकाउंट था उसको अगर आप लाना चाहते हो फिर से तो लॉगिन कर सकते हो। अगर आप न्यू हो इस एप्लीकेशन के ऊपर तो यहाँ पर आप साइनअप भी कर सकते हो। साइनअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ईजिली आप अपने ईमेल एड्रेस के जरिए इस एप्लीकेशन को लॉगिन और साइन अप यहाँ पर आप कर सकते हो। ईमेल डालना है, उसके बाद आपका पासवर्ड डालना है ईमेल का, और इजीली यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हो। उसके बाद मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आपको मैप के जरिए बहुत सारे सर्वर देखने को मिल जाते हैं। वर्ल्ड वाइड सर्वर रहती है इस एप्लीकेशन के अंदर। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ यहाँ पर आप यहाँ पर भी आपको ऑल कंट्री के सर्वर रहते हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ट्रैफिक राउंडर रहता है, यहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट सर्वर रहते हैं, सर्च भी कर सकते हो। उसी के नीचे ऑल कंट्री का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, उसके नीचे देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर आपको सर्वर रहते हैं। कोई भी सर्वर पर क्लिक करके इजीली आप अपना वीपीएन यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, ऊपर की तरफ से लेकर के आ जाता हूँ। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों, मैं प्रोफाइल के अंदर आ जाता हूँ तो यहाँ पर आपको वीपीएन कनेक्शन हिस्ट्री मिल जाता है। यहाँ पर उसके बात कर लेता हूँ तो लेजेंडर कनेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, ऑटो कनेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद डार्क वेब मॉनिटर मिल जाता है, सिक्योरिटी कोड मिल जाता है। नीचे की तरफ सेटिंग वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको वीपीएन प्रोटोकॉल मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको स्प्लिट टोनिक मिल जाती है, डीएनएस मिल जाता है, लोकल नेटवर्क डिस्कवर यहाँ पर आपको मिल जाता है। डीएनएस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसे डिफॉल्ट कस्टम पर भी कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, वीपीएन प्रोटोकॉल पर यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको देख सकते हो नोड यहाँ पर आपको मिल जाता है, ओपन वीपीएन है मिल जाता है, ओपन वीपीएन यूडीपी यहाँ पर आपको मिल जाता है, अलग अलग उस पर यहाँ पर आप रख सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ पुश नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन सिस्टम है, यहाँ पर आपको बहुत सारी इस एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन को यूज़ करना तो आपको अकाउंट ज़रूर क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट इजीली यहाँ पर आप कर सकते हो लॉगिन साइन अप करके। बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।